आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। दंदराव धाम। डॉक्टर हनुमान के नाम से गोपी वेशधारी श्री हनुमान जी की मूर्ति यहां लोगों के दर्द के हरण के लिए जानी जाती है। लाखों श्रद्धालु यहां अपने शारीरिक व मानसिक व्याधियों से निजात पाने के लिए आते हैं। श्री हनुमान जी की सूक्ष्म किंतु दिव्य कृपा से रोग मुक्त हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा। इसी अवधारणा को साकार करते श्री हनुमान जी यहाँ छोटे से गाँव दंदराव में लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु बने हैं। बजरंगबली की महिमा अपरंपार है, यही कारण है कि उनके देश भर में कई दीवाने हैं। लेकिन उनके प्रति इस अटूट आस्था के दर्शन भिंड जिले में स्थित हनुमान मंदिर में देखने को मिलती है। मान्यता है कि इस मंदिर के हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर पहुँचे थे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का कारगर इलाज है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। हनुमान जी का यह चमत्कारिक मंदिर ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे भिंड जिले के दंदराव सरकार धाम में है। यहाँ हर दिन डॉक्टर हनुमान के पास अच्छी सेहत की उम्मीद लेकर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर को लोग दंदराव सरकार धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ बजरंगबली को डॉक्टर के रूप में माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करने आता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नृत्य की मुद्रा में है। बताया जाता है कि यह देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले हुआ था। 300 साल पहले हनुमान जी यह मूर्ति नीम के पेड़ में छुपी हुई थी। पेड़ को काटने पर गोपी वेशधारी हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बजरंगबली की कृपा से यहाँ कैंसर, टीबी, एड्स आदि लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। लोगों की मन्नत पूरी होने पर ये दोबारा यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने प्रभाव से लोगों का कष्ट हर लेते हैं। यहाँ बजरंगबली के दर्शन करने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जय बजरंगबली की।